चिराग पासवान तो दलित नेता है ही नहीं, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट उनका दिखावा है। रामविलास जी आज तक एजेंटगिरी दलालगिरी नहीं किया, लेकिन उनके बेटा एजेंटगिरी दलालगिरी कर रहे हैं। वो संघी नागपुरी संघी दलित बन चुके हैं और उनको न मणिपुर दिखता है, न रेल हादसा दिखता है, न बेटियों की रेप दिखती है और न जंतर मंतर पे जो बेटियां बैठी हुई है अपने हक अधिकार के लिए बैठी हुई थी ना, जो देश का सम्मान बढ़ाती है, मेडल दिलाती है, वहाँ भी एक दिन भी नहीं गए। चिराग पासवान मैट्रिक किए, उसके बाद 5 साल में इंटर करते हैं। इसे आप तय कर लीजिए, ये मैं नहीं करूँ, उनका हलफनामा बोल रहा है। इलेक्शन कमीशन के साइट पे जाइए, उनका हलफनामा चेक कीजिए, इससे साफ जाहिर होगा किसका एकेडमिक बढ़िया है। और भाई बीटेक की बात रही तो बीटेक वो बताएं कि कौन से साल में, न 14 में दिखा और न ही 19 में दिखा। और एक ABP न्यूज़ पे बैठ के कहते हैं आई डिड बीटेक इन कंप्यूटर साइंस। भाजपा में विलय करना होगा। और जो हल्ला है कि 6 सीटें मिल रही है, मोदी साहब का दिया बेटा तुम्हें 2 सीट देंगे, पार्टी को विलय कर लो। आपको कौन बताया 2 सीटें देंगे, 5 सीटों पे फाइनल। अरे सर आप पार्टी को लिख दे के दे दें कि 2 सीट। देश में 2 गठबंधन हो गया है, एक इंडिया वर्सेस NDA। बीते दिनों से लगातार देश की राजनीति में हो या बिहार की राजनीति में हो, चिराग पासवान लगातार चर्चा में बने हुए थे, फिर से एक बार चर्चा में है। कारण है बीजेपी शासित प्रदेश में जो हिंसाएं हो रही हैं लगातार, मणिपुर हो या फिर हरियाणा हो, उस पर चिराग पासवान की चुप्पी क्या कुछ कहती है। चिराग पासवान तो यूँ बिहार सरकार पर, नीतीश कुमार पर बहुत हमला करते रहते हैं, लेकिन जब उनके गठबंधन के नेताओं के राज्यों में हिंसा हो रही है तो चुप्पी साधने का कारण, वजह, सुर्खियां बनने को मिल रहा है। आपको बता दें हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए इन सब मुद्दों पर युवा विहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर राजकुमार पासवान जी। राजकुमार जी, लगातार आप चिराग पासवान को लेकर के मुद्दा उठाते रहे हैं, उनके बारे में कई खुलासा करते रहे हैं। वो चिराग पासवान हाजीपुर से चुनाव लड़ने वाले हैं, आप भी हाजीपुर से लोकसभा का चुनाव लड़िएगा। उनकी चुप्पी क्या कुछ कह रही है, वो तो बिहार सरकार पर लगातार हमलावर रहे हैं, नीतीश कुमार पर हमलावर रहे हैं, लेकिन जब उनके गठबंधन के नेताओं के राज्यों में हो तो वो चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। देखिए, जो एजेंट होता है, किसी का हनुमान होता है, वो चुप्पी ही साधता है। और जो देश का नेता होता है, बिहार का नेता होगा और जिसमें बिहार की हमदर्दी होगी, देश की हमदर्दी होगी, वो जरूर बोलेगा। तो आपको बता दूं कि चिराग पासवान तो दलित नेता है ही नहीं, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट उनका दिखावा है। और विशाल जी आपको बता दूं कि वो क्या है, वो नागपुरी नकली दलित संघी है, वो नागपुरी दलित संघी है वो, चिराग पासवान जी। हाँ, दलित नेता है महाराज, उनके पिताजी दलित नेता थे, आप कह रहे हैं नकली संघी है वो। अरे भाई, आदरणीय रामविलास पासवान जी का सवाल ही नहीं है, वो तो वाकई में दलित नेता थे, वो हम लोग के गार्जियन थे। लेकिन ये रामविलास जी आज तक एजेंटगिरी दलालगिरी नहीं किया, लेकिन उनके बेटा एजेंटगिरी दलालगिरी कर रहे हैं। वो संघी नागपुरी संघी दलित बन चुके हैं और उनको न मणिपुर दिखता है, न रेल हादसा दिखता है, न बेटियों की रेप दिखती है और न जंतर मंतर पे जो बेटियां बैठी हुई है अपने हक अधिकार के लिए बैठी हुई थी ना, जो देश का सम्मान बढ़ाती है, मेडल दिलाती है, वहाँ भी एक दिन भी नहीं गए। चिराग पासवान कौन गया, इंजीनियर राजकुमार पासवान कौन गया, भाई चंद्रशेखर गए। तो हम लोग को है देश बचाने की, ये लोग किसके गोद में बैठे हुए। देखिए, ये लोग हैं कौन, NDA वाले लोग हैं, हम कौन हैं, इंडिया वाले लोग हैं, हम देश के लिए काम करेंगे। ये लोग अंबानी अडानी के लिए काम करेंगे और कर रहे हैं। सारा मीडिया हाउस बिक गया, आज चिराग पासवान को बड़े बड़े चैनल दिखाते हैं, समझे। मुझे कहाँ दिखाता है विकास जी, क्या हम में बौद्धिकता कमी है क्या, ABP न्यूज, आज तक, ये सब सारे लोग हैं। तो आपको बता दूं, जो नमो मोदी कहेगा उसी को वो लोग दिखाएगा। और चिराग सकता है चिराग पासवान साहब कम पढ़े लिखे हो इसीलिए उनको दिखा आपको नहीं दिखाता आप ज्यादा साहब वो ज्यादा मैं मैट्रिक किया, उसके 2 साल बाद इंटर कर गया। अच्छा, चिराग पासवान मैट्रिक किए, उसके बाद 5 साल में इंटर करते हैं। इसे आप तय कर लीजिए, ये मैं नहीं करूँ, उनका हलफनामा बोल रहा है। इलेक्शन कमीशन के साइट पे जाइए, उनका हलफनामा चेक कीजिए, इससे साफ जाहिर होगा किसका एकेडमिक बढ़िया है। और भाई बीटेक की बात रही तो बीटेक वो बताएं कि कौन से साल में, न 14 में दिखा और न ही 19 में दिखा। और एक ABP न्यूज़ पे बैठ के कहते हैं आई डिड बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, तो वेयर इज योर बीटेक डिग्री एज पर द एफिडेविट ऑफ योर। समर्थक तो कहते हैं कि बहुत पढ़े लिखे हैं, यही दीर्घ भ्रमित है। हमारी जाति के लोग थोड़ा कम पढ़े लिखे हुए हैं,
और जो ज्यादा पढ़े लिखे हो समझदार हैं वो उनकी बात नहीं चलती है। सुनिए, ये लोग 50 साल इनके पिताजी ने ठगा, किनको, जो आज जो युवा नौजवान 40% जो चिराग भैया जिंदाबाद कर रहे हैं ना, तो 7 बार इनके पिताजी, चिराग भाई के पिताजी 7 बार केंद्रीय मंत्री रहे। चाहते तो उनके जो जिंदाबाद कर उनके पिता को, उन लड़कों को पिता को 7 लाख लोगों को नौकरी दे देते मंत्रालय में, लेकिन नहीं दिया। क्यों? क्यों पासवान को ये लोग परिवार, रामविलास पासवान एंड परिवार पार्टी, चिराग पासवान एंड परिवार पार्टी, पशुपति कुमार पासवान एंड परिवार पार्टी, ये लोग अपने जूता का सोल, जूता का गंदगी समझते कि नीचे ही रहो ऊपर नहीं। किसी को सदन में टिकट दिया साहब, लोकसभा विधानसभा में इन लोगों को भेजा, मुसलमानों की मिलने चले जाते हैं चिराग पासवान, समझे, जिनसे हिना साहिबा से साबुद्दीन, लेकिन उनके पिताजी मुसलमान मुख्यमंत्री की बात करते थे, मुसलमान मुख्यमंत्री, लेकिन जब मुसलमानों को मुख्यमंत्री बनाने की बात आई, मुसलमान दलितों ने 29 सीट दिया 2005 में, तो भाई को मुख्यमंत्री बनाने लगे, किनको, ये पशुपति कुमार पारस को। तो इनका चल चरित्र ये है, सुन लीजिए, चिराग पासवान जैसे इरोगेंस नेता, घमंडी नेता बिहार में एकदम नहीं है। और सुन, ये इनको पार्टी भाजपा में विलय करना होगा। और जो हल्ला है कि 6 सीटें मिल रही है, मोदी साहब का दिया बेटा तुम्हें 2 सीट देंगे, पार्टी को विलय कर लो, आपको कौन बता 2 सीटें देंगे, 5 सीटों पे फाइनल। अरे सर, आप पार्टी को लिख दे के दे दें कि 2 सीट। और जो आपको कुछ इनपुट मिला है ऐसा मुख्यमंत्री, सुनिए, संघ भाजपा में जो है ना, संघी जो लोग हैं, वो बड़े बड़े नेता संघी लोगों से मेरे भी संपर्क है, मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में रहा। आप भी संघी हैं क्या? हम संघी नहीं है। तो हम संघी नहीं, संपर्क कैसे है फिर? सुनिए सर, पैनल में जब इनको हमने खाट खड़ा कर दिया था, सांबित पात्रा जी को इंडिया न्यूज पे, समझे, इंडिया न्यूज पे दीपक चौरसिया जी के सामने साक्ष्य है दीपक चौरसिया जी, तो वैसे लोगों से जब नहीं डरा तो इस संघी भाइयों से क्या डर जाएंगे। और संघी भाई तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पटरियों पर घूमते रहते हैं, बड़े बड़े नेता लोग, तो चिराग पासवान जहाँ पैर छूते हैं ना, वहाँ की सारी रिपोर्टिंग हमारे पास होता है। और सुन लीजिए साहब, ये नागपुरी दलित संघी, ये लोग भी हो गए हैं सदा शिवराव गोलवरकर के चेले, दीनदयाल उपाध्याय के चेले, और इनके क्या नाम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चेले। ये संविधान भी खत्म हो जाएगा 2024 में, आरक्षण को भी खत्म कर दिया जाएगा, दलित शोषितों को अधिकार छीन लिया जाएगा, फिर भी ये बोलेंगे मैं मोदी का हनुमान हूँ और नरेंद्र मोदी जिंदाबाद और कहते हैं जय श्री राम बोलेंगे। इसीलिए भाजपा शासित प्रदेशों में कुछ होता है तो कुछ नहीं बोलते हैं ना, बिहार पे तो बहुत बोलते हैं ये। दो पहलू है विशाल जी, दो पहलू बहुत बढ़िया है। चिराग पासवान एक भाजपा शासित प्रदेशों में अगर कोई घटना घटी वहाँ नहीं बोलेंगे, और दूसरा बिंदु जो है चिराग पासवान वहाँ वहाँ बिहार में नहीं जाते हैं और वहाँ वहाँ जाते हैं। जब कहाँ कहाँ जाते हैं, जब यादव और दुसाद में लड़ाई होगा, कुर्मी और दुसाद में लड़ाई होगा, कहार और दुसाद, बड़ाई और दुसाद में लड़ाई होगा, वहाँ चिराग पासवान, हेलो SP साहब मैं चिराग पासवान बोल रहा हूँ। और जहाँ राजपूत भूमियार ब्राह्मण और दुसाद में होगा, वहाँ चिराग पासवान कहीं नहीं नजर आएंगे। ये भी है, हाँ ये भी मुद्दा है, ये आप ये ट्रैक रिकॉर्ड उसको देखिए, आप एसेसमेंट कीजिए कहाँ कहाँ गए और किस जाति के साथ लड़ाई रहा वो आप देखिए। तो चिराग पासवान जैसे नेता की आवश्यकता नहीं है, वो नेता है भी नहीं, वो एजेंट है, हनुमान है भाजपा असंघ का। और इसके लिए हाजीपुर की जनता, जमुई की जनता को सोचना होगा। और वहाँ जमुई में जो काम नहीं किया ना, हाजीपुर में जीतने वाले नहीं है। चाचा भतीजा दोनों पैकअप, एक खगड़िया जाएंगे, एक दिल्ली और पंजाब जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बात कर रहे थे युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर राजकुमार पासवान जी। तमाम मुद्दों को लेकर उन्होंने कहा है इस बार हाजीपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं, ऐसे में देखना होगा कितनी कड़ी टक्कर दे पाते हैं। चाचा है एक तरफ पशुपति पारस, एक तरफ खुद चिराग पासवान है। शुक्रिया।